वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 5 जनवरी 2019 और 5 जनवरी 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंज तीर्थ स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है, यह किस देश में है? तो पंज तीर्थ स्थल ये पाकिस्तान में है और इसे अभी हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है पंज तीर्थ स्थल और ये पाकिस्तान में हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है और इसे अभी हाल ही में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। अच्छा, इसका नाम पंज तीर्थ स्थल कैसे पड़ा? यहां पे 5 पानी के कुंड हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंज तीर्थ स्थल और अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है। तो पाकिस्तान से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं आसिफ शहीद खोसा, इनका नाम आप याद रखिए। और उससे पहले पाकिस्तान ने एक बॉन्ड जारी किया था, चाइना की करेंसी पर बेस्ड एक बॉन्ड जारी किया था पाकिस्तान में, उसका नाम आपको याद रखना है। उस बॉन्ड का नाम है पांडा बॉन्ड, ये चाइना की करेंसी पे बेस्ड है और पाकिस्तान ने जारी किया। तो पांडा बॉन्ड का नाम आपको याद रखना है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आपको याद रखना है और अब ये पंज तीर्थ स्थल का नाम भी आपको याद रखना है। बात है पाकिस्तान की तो आप मैप में देखिए, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। इतना आप पाकिस्तान के बारे में भी याद रखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर किया करो और लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो पैनोरमा कैटेगरी में मूवी सेलेक्ट की जाती हैं, उनका प्रदर्शन किया जाता है इस भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव में। तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किस बैंक के साथ बैंक अश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में SBI लाइफ इंश्योरेंस ने बैंक अश्योरेंस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं सिंडिकेट बैंक के साथ। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इससे पहले SBI लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ समझौता किया था? अलाहाबाद बैंक के साथ, और बैंक अश्योरेंस संधि पर ही समझौता किया था और अब सिंडिकेट बैंक के साथ ये समझौता किया है। तो मैंने आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया था, SBI लाइफ इंश्योरेंस के CEO कौन है? संजीव नौटियाल। और सिंडिकेट बैंक की बात है तो सिंडिकेट बैंक के प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ARIA कानून पर किस देश के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ARIA कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अभी जो ARIA लिखा है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ARIA की फुल फॉर्म होती है एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। और इस पर हस्ताक्षर किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, ट्रंप से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ट्रंप अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो 45वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, और इस बार पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। ये भी आप याद रखिए, इस बार से ही विश्व ब्रेल दिवस की शुरुआत हुई है। एक्चुअल में नवंबर 2018 में ये डिसाइड हुआ कि हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। तो 4 जनवरी 2019 को पहली बार विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। जब ब्रेल लिपि के बारे में आपने सुना होगा, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं उनके लिए होती है ब्रेल लिपि। तो इस लिपि के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अब हर साल 4 जनवरी को मनाया जाया करेगा विश्व ब्रेल दिवस। ये जनवरी का दूसरा इंपोर्टेंट डे है। इससे पहले एक इंपोर्टेंट डे जनवरी में आ चुका है, और वो कौन सा था? डीआरडीओ दिवस। और कब मनाया गया था? 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया गया था, और अब 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस फूड 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2019 आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब माइंड में तुरंत आया होगा कि आखिर ये इंडस फूड होता क्या है। तो इंडिया को फूड एक्सपोर्ट के मामले में आगे ले जाने के लिए ये है इंडस फूड। तो इंडस फूड 2019 अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 कब शुरू हुआ है? तो अभी हाल ही में 4 जनवरी को शुरू हो गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण से क्वेश्चन बनते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का विजेता शहर कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब से इसकी घोषणा हुई थी उसके बाद कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 का विजेता कौन सा था? इंदौर। इंदौर नंबर 1 पे रहा था, दूसरे नंबर पर रहा था भोपाल, और तीसरे नंबर पर रहा था चंडीगढ़। और अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 शुरू हुआ है, जब इसका विजेता शहर डिक्लेयर होगा उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला एम्पटी कौन बनी है? तो ये बनी है अरुणिमा सिन्हा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली विश्व की पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं अरुणिमा सिन्हा। ये है अरुणिमा सिन्हा, और ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बन गई हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंटार्कटिका की? माउंट विंसन, और इस पर चढ़ने वाली ये पहली दिव्यांग महिला बनी है अरुणिमा सिन्हा। 2013 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी। एक्चुअल में ये वॉलीबॉल की प्लेयर थी, लेकिन 2011 में एक ट्रेजेडी की वजह से इनका एक पैर काटना पड़ा था, और 2013 में ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी थी, और अब अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली ये पहली दिव्यांग महिला बनी है। तो इनका नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया फार्मा 2019 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में बेंगलुरु में इंडिया फार्मा 2019 आयोजित किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका आयोजन कौन करेगा? तो रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन करेगा। 18 और 19 फरवरी 2019 को होगा ये इंडिया फार्मा 2019, और कहाँ होगा? बेंगलोर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्येंदु पालित का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दिव्येंदु पालित एक प्रसिद्ध लेखक थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे दिव्येंदु पालित, इनका अभी हाल ही में 79 ईयर की उम्र में निधन हो गया है। अब इनका नाम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनका एक नोबल है अनुभव नाम का, उसी नोबल की वजह से इन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम आप याद रखिए, दिव्येंदु पालित, इनका अभी निधन हुआ है, ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के तीसरे संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो अभी हाल ही में दिल्ली ने राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अच्छा इसका आयोजन किसने किया है? इसका आयोजन किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने। इंडिया में उद्यमिता के बारे में माहौल बनाने के लिए जिन युवाओं ने अहम योगदान दिया है उनको दिया जाएगा ये राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार। तो इसके तीसरे संस्करण की मेजबानी की है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उर्वरक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में छबिलेंद्र को उर्वरक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी किस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है छबिलेंद्र, ये जो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं यही है छबिलेंद्र, और ये 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, पंजाब कैडर के ये अधिकारी हैं, और अब इन्हें उर्वरक सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जेयर बोल्सोनारो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो अभी हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली जेयर बोल्सोनारो ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।